नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज पहाड़ी रसोई और पिंगली पिठाई की ओर से होली महोत्सव कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि सभी अपने पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही आकर्षक लुक में हैं। तो हम उत्तराखंड की नौनिया पिंगली पिठाई की जो शशि रतूड़ी जी हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या कुछ यहाँ आप लोग गा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या आयोजन है आज का? जो आयोजन है आज हमारा फूल संग्रांत का जो कार्यक्रम है, फूल संग्रांत को आपको पता ही कि आज फुलारी का दिन है, फूल दे का दिन है। और अभी हमारा जो है एक महीने तक जो फूल हमारी जो बच्चियाँ होती हैं, ये जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, ये देहली में डालती हैं और एक महीने बाद बैसाखी के दिन हम जो हैं क्या करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इनके पैर छू के इनको दक्षिणा देते हैं और बहुत सारी चीज़ें पकवान बना के इनको खिलाते हैं। तो मेरा एक जो है ये कि जो हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हमारी जो ये परंपराएँ हैं, हमारा जो ये कल्चर है, ये इसको पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम है और सारे लोग इस परंपराओं को चलाएँ, लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों ने ये चीज़ें सारी छोड़ दी हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है कि सभी लोग जो हैं इन परंपराओं को चलाएं और आगे बढ़ाएं। बहुत ही बढ़िया। उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से और कोई संदेश आप देना चाहेंगे महिलाओं को? उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग तो बहुत सारी विषयों पर काम करते रहते हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन जो है जो सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं महिलाओं के लिए जो हैं, जो काम है, बच्चों के लिए जो काम है, वो सब हों और आप जगह जगह जाकर आप अपनी जो सारी चीज़ें इकट्ठा करती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। यहाँ पे हमारे बीच में अतिथि भी हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष जो है हमारी कुसुम कंडवाल जी। कुसुम जी, पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड पहाड़ी रसोई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सबसे पहले बात जो कि उत्तराखंड की उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और फूलदेई एवं होली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। फूलदेई आज से जो त्यौहार हम लोगों का शुरू हुआ है पहाड़ में, कि पूरे महीने भर तक बिखोत हम कहते हैं और बैसाखी के लिए बच्चे फूल डालते हैं, कि मुझे भी अपना बचपन याद आता है कि मैंने भी खूब फूल देहली में डाले गए हैं। एक महीने के बाद फिर वो जो हम बच्चियां जब आती हैं तो बड़ा उत्साह रहता है कि एक महीने में हमें उन्हें जो एक महीने का पूरा सुबह सुबह फूल डालती हैं उसका कुछ न कुछ उन्हें दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। पहाड़ों में कोई पकौड़ियाँ बनाता है, कोई दक्षिणा के रूप में देता है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बच्चियाँ हमारी सामने हैं, मैं देख रही हूँ, अपना बचपन भी याद आ रहा है। बहुत ही सुंदर त्यौहार है और होली का त्यौहार की मैं बात ही क्या कहूँ कि होली का त्यौहार हमारा ऐसा है कि आपस में अगर किसी में थोड़ा सा भी मन मिटाव हो तो इस त्यौहार में सब लोग एकजुट होकर एक साथ मिलकर हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। क्या बात है। एक और अतिथि विदुषी निशंक जी भी यहाँ पे हैं। विदुषी जी, क्या कुछ कहेंगे आप आज? सबसे पहले तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को फूलदेही की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं पहाड़ी रसोई का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। यहाँ मौजूद होने के बाद मुझे बहुत एक हर्ष महसूस हो रहा है कि क्योंकि जो युवा हैं आज के, जब तक वो इन संस्कृति से जागरूक नहीं होंगे तब तक वो इस संस्कृति को समझ नहीं पाएंगे और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो उत्तराखंड की जो पहाड़ की जो संस्कृति है, जो विशाल और समृद्ध हमारी संस्कृति है, उसको लोगों तक लाया जा रहा है और उसको त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की। आदा त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, बहुत एक्टिव रही हैं पूर्व में बाल आयोग में। मैम, क्या कुछ कहेंगे आप? सब प्रथम मैं सभी बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। जो हमारे पारंपरिक
त्यौहार हैं हमारे भारत देश में त्यौहार मनाए जाते हैं, उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो होली का भी एक उद्देश्य है बुराई पर अच्छाई की जीत। इसका एक प्रसंग हिरण्यकश्यप और प्रह्लाद से जुड़ा हुआ है कि प्रह्लाद को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो भक्त था, भगवान का भक्त था, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसकी बुआ होलिका ने उसको गोद में लेकर जलाना चाहा। लेकिन हम लोग समझते हैं कि प्रह्लाद बच गए क्योंकि भगवान का नाम ले रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में सब लोग बहुत उनसे त्रस्त हो गए थे हिरण्यकश्यप से, तो सबने कोशिश की कि प्रह्लाद को कुछ ना हो। और ये जो होलिका है, जो दुष्ट प्रवृत्ति की महिला है, जो इस तरह का शासन चला रहे हिरण्यकश्यप, उनका अंत हो जाए, तो इसीलिए होली का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखें और बुराई को ख़त्म करें और आपस में प्रेम से रहें और समाज में सद्भावना का प्रकार। क्या बात है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं कि फूलदेही और अपनी होली की परंपरा जीवित है। आप सभी का मैम फिर से उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका भी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पूरे नज़ारे, यहाँ लगातार जो है होली के गीत चल रहे हैं और यहाँ पब्लिक बैठी हुई है। तो उत्तराखंड की नौनी की ओर से भी आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, फूलदेही की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पहाड़ी रसोई की संचालिका और इतना सुंदर आयोजन कराने वाली पूजा तोमर जी और उनकी बेटी गौरी हमारे साथ है, तो पहले तो आप दोनों का उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बताइए आज के दिन क्या कुछ कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं फूलदेही की सबको शुभकामनाएं दूंगी और होली की शुभकामनाएं दूंगी। हम लोगों का ये जो है पहाड़ी रसोई, मैं पहाड़ की बेटी हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपने पहाड़ को आगे लेके चलना है। तो मैंने वही अपने पहाड़ के प्रोडक्ट जो है मंडवे के ऊपर झंगोरिया और अलसी के लड्डू और हमारे जो हैं अरसे, सारी जो पहाड़ की चीज़ें हैं उसको यहाँ पर ला करके एक बाज़ार तैयार किया, जिससे कि हम लोग होली के समय पर अपनी महिलाओं को रोज़गार दे सके, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सामान बिके, महिलाओं को रोज़गार मिले और महिलाएं आगे बढ़े, तभी हम होली और दिवाली बना पाएंगे जब हम सूक्ष्म और आजीविका चलाने का साधन होगा हमारे पास में। तो उसी के साथ मैंने एक प्रयास किया है और अपने होली का कार्यक्रम किया है। क्या बात है, वाकई में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने बहुत पहल की। आज आप यहाँ देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं, जितने भी यहाँ पे फूड प्रोडक्ट है उनके माध्यम से कई सारी महिलाओं को उन्होंने रोजगार भी दिया है, स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है। गौरी क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग तो चाहेंगे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके, आज का युवा हमारे साथ जुड़ सके, तो हम लोग इन ऊंचाइयों को और भी बड़ा स्तर दे सकते हैं और भी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, विश्व भर में हमारा कोदा झंगोरा एक दिन बहुत नाम कमाएगा। क्या बात है, और उत्तराखंड की नौनी की भी आपसे यही अपील है कि अपने संस्कृति को, अपने प्रोडक्ट को स्थान दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए, तभी हमारा उत्तराखंड, हमारा स्टेट तरक्की करेगा। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।